कि जब ये वायरस अपने आप को जब मजबूत कर रहा था वुहान से चाइना से निकलने की तैयारी कर रहा था, तो हमारे भारत के प्रधान सेवक और अंधभक्त लोग क्यों नहीं उस समय जग पाए थे? ये समझ में नहीं आया कि जब विश्व त्राहिमाम संदेश की तरफ जा रहा था तो हम कहते हैं कि अमेरिका बर्बाद हो रहा है, हम तो बच गए। तो हम बच कहां गए? हम बच नहीं पा रहे हैं। ये अपनी आंख की पट्टी को हटाने की जरूरत है कि हमारे यहां भी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इस कोरोना वायरस से निपटने की तैयारी हमारे यहां एकमात्र और एकमात्र उपाय है लॉकडाउन। इसके अलावा इस वायरस से निपटने की कोई तैयारी नहीं है हमारी, न राज्य सरकार की कोई तैयारी है और न भारत सरकार की कोई तैयारी। अभी लॉकडाउन का दूसरा दौर चल रहा है और हम तमाम अपने दोस्तों अपने साथियों से आह्वान करना चाहेंगे कि जो सरकार का चाहती है लॉकडाउन के अंदर हम घरों में बंद रहें, कोरोना वायरस से निपटने की तैयारी घरों में बंद करके होकर के करते रहें। तो मैं अपने तमाम साथियों से अपने अभिभावकों से माताओं और बहनों सब से निवेदन करना चाहूंगा कि निश्चित रूप से हम अपने घरों में बंद कर होकर इस वायरस से निपटने की तैयारी करते रहें और करें कि इस वायरस को हम लोग भारत से भगा सकें। ये बहुत तरह की भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, चूंकि सब लोग घर में बैठे हैं तो बहुत लोगों की टीम भी घर में बैठकर ये कुछ ना कुछ काम कर रही होगी, जो सरकार में जो समाज में हमारे प्रदूषण फैलाने का काम कर रही है, जो हमारे समाज को दूषित करने का भी काम कर रही है। ये समझ में नहीं आता है कि आज ये कोरोना वायरस हम भारत के अंदर, हम भारतीयों के अंदर जो आ रहा है तो क्या किसी धर्म के को पहचान करा रहा है? क्या धार्मिक तैयारी लेकर क्यों आ रहा है? ये समझ में नहीं आ रहा है। ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये कोरोना वायरस क्या चाइना से जो वायरस आया है हमारे बीच में, तो क्या भारत में आकर के वो किसी धर्म में तब्दील हो गया है? तरह तरह की अफवाहें वीडियो व्हाट्सएप पर फेसबुक पर लोग डालते रह रहे हैं। कोई सब्जी खरीदने को मनाही कर रहा है, कोई सब्जी खरीदने वाला जो बेचने वाला है ठेला वाला हमारा भाई है उससे कोई आधार कार्ड मांग रहा है। ये बहुत दर्दनाक कहानी है और भारत को कोरोना वायरस से तो हम जरूर जीत दिला देंगे, लेकिन मुझे लगता है कि इसके साथ साथ अब एक धार्मिक लड़ाई होते जा रही है, धार्मिक कट्टरता की ओर हम बढ़ रहे हैं। इस लड़ाई से हमें बचना है दोस्तों, इस लड़ाई से हमें बचना है कि वायरस से लड़ते लड़ते कहीं हम धर्म से नहीं लड़ने लगे और भारत की जो संस्कृति है वो कहीं हमारी संस्कृति खराब मत हो जाए। हम अपनी संस्कृति को कायम रखें, अपनी संस्कृति को मजबूती से पकड़ कर रखें, घर में बैठे बैठे उसे पकड़ कर रखें। हम आपसे अनुरोध करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये वायरस को हम लोग भारत से भगाएं, हम लोग सब लोग मिलकर भारत से भगाएं। आज एक नया शब्द आ रहा है, जमात जमाती मरगज, ये शब्द हम लोग पहले कभी नहीं सुने थे। होंगे कोई धार्मिक गुरु, धार्मिक गुरु सब धर्म के रहते हैं, होंगे किसी धर्म को बताने वाले धर्म को बढ़ाने वाले, लेकिन हम लोग नहीं जानते, नहीं जानते थे। लेकिन आज भारत के तमाम नेशनल चैनल, लगभग तमाम नेशनल चैनल्स दो तरह के कोरोना वायरस का रिपोर्ट देती है, एक मरकज से रिलेटेड रहते हैं और एक जनरल रहते हैं। तो ये मरकज क्या हो गया? क्या कोई मरकज नया धर्म हो गया? ये समझ में नहीं आया मुझे कि ये बताने वाले कौन लोग हैं जो इस तरह से हमें बता रहे हैं। अगर कोरोना वायरस से पीड़ित है कोई भी भारतीय है तो इतने लोग पीड़ित हो सकते हैं, लेकिन मरकज कोई हमारा धर्म नहीं है, मरकज हमारा कोई देश नहीं है, मरकज हमारा कोई राज्य नहीं है और राज्य का कोई शहर का नाम नहीं मरकज। तो मैं अपने तमाम साथियों से अपील करना चाहता हूं,
मीडिया बंधुओं से भी अपील करना चाहता हूं कि इन शब्दों से भारत को बांटने की कोशिश ना की जाए। भारत धर्मनिरपेक्ष है, पहले भी था और धर्मनिरपेक्ष रहेगा। इस बात को लेकर के हमें चलने की जरूरत है कि धर्मनिरपेक्षता के आड़े हाथ हो नहीं आवे, धर्मनिरपेक्षता किसी भी तरह हमारी बरकरार रहे। बाबा साहब का जो संविधान था, बाबा साहब ने जो हमें जो रास्ता दिखाया, सरदार पटेल ने जो हमें रास्ता दिखाया है, उस रास्ता पर चलने के लिए हम लोग मजबूती से आगे बढ़े। कोरोना वायरस जैसे संक्रमण से हम कैसे बचे, इसके लिए सरकार ने बहुत सारी गाइडलाइन जारी की है, बहुत सारी घोषणाएं सरकार के द्वारा, चाहे बिहार की सरकार हो या भारत की सरकार हो, बहुत सारी घोषणाएं कर दी गई। भारत की सरकार ने तो लगा कि जनधन के खाते में बहुत सारे पैसा भी भेज दिया, लेकिन बड़ा आश्चर्य हुआ कि जब सुनने में आया कि 500 रुपए और वो भी महिलाओं के खाते में गए हैं 500 रुपए, तो सवाल तो खड़ा होता है कि आखिर 500 रुपए किस हैसियत से हम गरीबों का मजाक बनाने के लिए दिया गया। जरूरत तो है, पैकेज की जरूरत है, सबों को जरूरत है, एक गरीबों की जरूरत नहीं है, आज सबों को पैकेज की जरूरत है। उद्योग धंधे जो चला रहे हैं उन्हें भी जरूरत है, जो छोटे छोटे उद्योग दुकानदार हैं उन्हें भी जरूरत है, चाहे वो कपड़ा बेचते हो, रिक्शा चलाते हो, ठेला चलाते हो, ये उन सबों को पैकेज की जरूरत है। तो मैं भारत की सरकार से अपील करना चाहता हूं कि पैकेज दें, लेकिन ये 500 रुपए वाला पैकेज नहीं, एक सम्मानजनक, चूंकि आपने 41 दिनों का लॉकडाउन किया है, तो 41 दिन तक किसी ने कोई काम ही नहीं किया है, और इसका इंपैक्ट कितना दिन पड़ेगा ये भी नहीं कर सकते। तो ये चाहे वो निर्माण के क्षेत्र में काम करने वाले लोग या उद्योग धंधों के अंदर काम करने वाले लोग हैं, या सब्जी उपजाने वाले किसान हैं, या धान और गेहूं उपजाने वाले किसान हैं, उन सबों को पैकेज मिलना, आर्थिक पैकेज मिलनी चाहिए, आर्थिक पैकेज की बात होनी चाहिए। ये ताली और थाली और दिया जलाने से हमें वो पैकेज नहीं मिल सकता है। आर्थिक पैकेज मिलने की तमन्ना रखता है पूरा भारत के लोग, ये कैसे हमारी जीविका चलेगी। आज बिहार की सरकार ने एक ऐप जारी कर दिया, जो कुछ दिन से ऐप जारी है कि आपको मदद चाहिए तो उस ऐप्स को डाउनलोड कीजिए, और कितने लोग ऐप को डाउनलोड करके निश्चित रूप से कुछ उन्होंने वो सुविधा ली होगी, 1000 रुपए मिले होंगे, लेकिन कितने लोगों को वो ऐप्स डाउनलोड ही नहीं हो पाया। बिहार की सरकार ने बहुत सारे नंबर जारी किए अलग अलग राज्यों के लिए, अलग अलग शहरों के लिए, लेकिन किसी नंबर पर कोई काम नहीं हो पाया। जो हमारे बिहार से बाहर जो फंसे हुए लोग हैं वो त्राहिमाम संदेश कर रहे हैं, हमारे बिहार से बाहर जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो कोटा में और अन्य शहरों में फंसे हुए हैं, वो भी बहुत परेशान है, लेकिन बिहार की सरकार क्यों नहीं सुनती है उनकी बातों को, उन गरीबों की बात क्यों नहीं सुनना चाहती है। क्या हमारे बिहार की सरकार को इतना एलर्जी है हमारे गरीबों से जो बाहर काम करते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं अपील करना चाहता हूं कि आपके पास सही बातें नहीं पहुंच पाती, आपके पास जो बिहार का जो त्राहिमाम संदेश है, जो बाहर हमारे जो लोग रह रहे हैं उनका त्राहिमाम संदेश आपके पास नहीं पहुंच पा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी। आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो आपको बरगला रहे हैं, और ऐसा बरगला रहे हैं कि आपके पास जो उनका कंपन शब्द है, जो रो रहे हैं, जो तड़प रहे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम नहीं खा पा रहे हैं, कुछ लोग हैं चिंतित कि अपने घर और परिवार में उनके पैसा नहीं है, वो अपने घर और परिवार जाना चाहते हैं, घर और परिवार में जाना चाहते हैं। तो मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि ये लॉकडाउन 3 तारीख को खत्म हो जाएगा ऐसा भी नहीं है, हो सकता है कि और आगे बढ़े। तो क्या हमारे बिहार के भाई बंधु जो बाहर फंसे हैं अपने घर और परिवार से नहीं मिल पाएंगे, उन्हें भी मिलने की आजादी होनी चाहिए, उन्हें भी अपने घर तक पहुंचनी चाहिए। क्योंकि आप ये समझिए, बिहार की सरकार ये समझे कि अगर आपका कोई मंत्री, आपका कोई भाई, आपका कोई बेटा कहीं फंसा होता तो क्या करते,
कैसे उनको आप रखते? क्या कहते कि जब तक लॉकडाउन है आप नहीं आ पाएंगे, आप वहीं रहे? तड़प होती है हर परिवार में, हर बेटा अपने बाप के लिए तड़पता है, बाप अपने बेटा के लिए तड़पता है, बेटी के लिए तड़पता है, मां तड़पती है। ऐसे में उन मजदूरों का क्या कसूर है? उन रिक्शा चलाने वालों को, उन जूस बेचने वालों का क्या कसूर है? उन उद्योग धंधों में काम करने वालों को क्या कसूर है? ये किस कसूर की सजा हम देना चाह रहे हैं? मैं आप सबों से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं कि आप जो तमाम ऐसे जो लोग बाहर फंसे हुए हैं उन्हें बुलाने की कार्रवाई करें। क्योंकि आज ही हमने देखा कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने कोटा में जो बच्चे फंसे हुए हैं उत्तर प्रदेश के, उन्हें बुलाने के लिए उसने आज कहा है कि हम बस भेज रहे हैं। लेकिन बिहार की सरकार ऐसा क्यों नहीं कर रही है? मैं नहीं कह, जो बांद्रा में हुआ, मुंबई में हुआ, मुंबई के बांद्रा शहर में जो हुआ वो क्या था? वो कोई प्रायोजित नहीं था। सूरत में जो हुआ वो कोई प्रायोजित नहीं था, जिसे कुछ मीडिया हाउसेज धर्म के आड़ों हाथ लिया, धर्म के रास्ता पर भी दिखाया। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि ये न तो धार्मिक था और न प्रायोजित था। ये अपने अंदर का गुस्सा है, जो भाई जो बंधु हमारे जो लोग वहां हैं, जो काम के लिए गए थे वहां फंसे हुए हैं, एक एक 10x10 के रूम में 20-20 लोग पड़े हुए हैं, आखिर उनकी जीविका कैसे चलेगी? और वहां अगर कोरोना वायरस अगर उनको हो जाती है तो उन्हें देखने वाला कौन होगा? क्योंकि एक एक रूम में 20-20 लोग पड़े हुए हैं, कोई एक टाइम अनाज खाता है, कोई खाना खाता है, कोई नहीं खाता है, आखिर कैसे चलेगी उनकी दुनिया? उनकी दुनिया को भी चलाना हमारे लिए जरूरी है। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री से अपील करना चाहता हूं कि आप जगिए, उन दुखों को, उन दर्दों को समझिए और उन दुखों और दर्दों को समझ करके फैसला लीजिए कि जो जहां है वहां नहीं रहे। हम बिहार की सरकार की तरफ से कहना चाहते हैं कि आप अपील कीजिए कि हम बुलाने का काम करेंगे, और बुलाइए आप उन्हें, कुछ दिन क्वारंटाइन कीजिए उन्हें, क्वारंटाइन करिए। आपके पास जगह, आपने कहा है कि हम लाखों लोगों को कर सकते हैं, उन्हें भी ला के क्वारंटाइन कराइए, और क्वारंटाइन करने के होने के बाद उन्हें घर भेजिए, जहां अपने वो अपने बेटा बेटी माँ बाप से मिल करके अपनी जीविका को चलाने की जो चाहत रखते हैं वो चलाएं। नहीं तो कोरोना वायरस तो बाद में मारेगा किसी को, सब ऐसे ही तड़प से मरते रह जाएंगे और तड़प से मर जाएंगे। कोई भूख से बिलबिला रहा है तो कहीं कोई मिलने के लिए तड़प रहा है अपने माँ बाप से। तो इस तड़प को देखिए और देख करके कोई फैसला लीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी। और जो आपके आसपास में जो लोग जो आपको बता रहे हैं कि सब जगह शांति है, सब जगह अच्छे से चल रहा है, ऐसा नहीं है। चारों तरफ जो बिहार के लोग बाहर फंसे हुए हैं उनका त्राहिमाम संदेश है, उन्हें लाने की जरूरत है। जब कोरोना वायरस, मैं दूसरी बात पर बात करना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि जब कोरोना वायरस विश्व को अपने आगोश में ले रही थी तो भारत को इससे बचाया जा सकता था। हमें लगता है कोई दो कारण है जिसके कारण से हम भारतीय, चाहे हम बिहार के लोग हों या पूरे भारत के लोग, हम लोग एक आर्थिक बर्बादी और इतने बड़े संकट में हम लोग घिरे हैं। वो दो कारण में एक हमको लगता है कि एक नमस्ते ट्रंप बहुत बड़ा कारण है। अगर नमस्ते ट्रंप की जरूरत नहीं होती उस समय तो निश्चित रूप से हम लोग इतने बड़े त्रासदी से बच सकते थे। हम उस समय ऊंची ऊंची दीवारें बना रहे थे जब गरीबों को छुपाने के लिए, और उस समय अगर हम सोच लिए होते कि भारत से बाहर के लोग अगर आ रहे हैं तो उन्हें क्वारंटाइन सेंटर में रखने की जरूरत है, उन्हें क्वारंटाइन करने की जरूरत है। लेकिन उस समय तो भारत के लोग, भारत के बाहर से जो लोग आ रहे थे वो तो नमस्ते ट्रंप के लिए आ रहे थे, हम उन्हें कैसे रोक सकते थे? वो तो एक अलग ही आयोजन था, उस आयोजन के लिए आ रहे थे, हम उन्हें रोक नहीं पा रहे थे। और इसी वजह से हमें लगता है कि भारत को बर्बादी के रास्ते पर ले चलने का काम किया गया है। तो अंधभक्तों, अंधभक्ति जो तोड़ने की जरूरत है और समझने की जरूरत है
कि आखिर क्यों ऐसा हुआ? क्या ये नमस्ते ट्रंप का कार्यक्रम हम कुछ दिन के लिए नहीं रोक सकते थे? क्या हम उस कार्यक्रम को कुछ दिन के लिए रोक नहीं सकते थे? क्यों नहीं रोक पाए? क्यों पूरे भारतीयों को कोरोना वायरस की चपेट में झोंक दिया गया? अगर हम उस समय इसको रोक सकते थे, एयरपोर्ट पर स्कैनिंग की सुविधा कर लिए होते, तो मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि ऐसा भारत नहीं होता और इतने लंबे लॉकडाउन की जरूरत नहीं पड़ती। कहीं दूसरा कारण हमें समझ में आता है कि कहीं मध्य प्रदेश में सरकार बनाने के लिए तो हमें बलि का बकरा नहीं बनाएंगे। मध्य प्रदेश में सरकार बनाने की इतनी जल्दबाजी क्यों थी कि इस कोरोना वायरस से जब देश जल रहा था, संक्रमण के दौर से गुजर रहा था, पूरी तरह से व्यवस्था चौपट हो रही थी, और उस समय आनंद फानंद में मध्य प्रदेश में सरकार बदल दी। अरे ये सरकार आपके पास जुगाड़ हो गया था विधायकों का, खरीद लिया था किसी पार्टी ने विधायकों को, तो जब खरीद बिक्री हो चुका था तो ये कुछ दिन बाद भी हम कर सकते थे, इतनी जल्दबाजी क्या थी? तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कोरोना वायरस जैसे खतरनाक वायरस से निपटने की तैयारी हमारी अधूरी थी और अभी भी हमें लगता है कि अधूरी है। हमें केवल कमरों में बंद कर दिया गया है, लेकिन इसके अलावे भारत की सरकार और बिहार की सरकार के पास कोई भी एजेंडा नहीं है, कोई भी तैयारी नहीं है। आज भी हमारी जांच, कोरोना वायरस का जो संक्रमण का जो जांच हो रहा है, इतना धीरे है, उसकी संख्या इतनी कम है कि हम वहां तक नहीं पहुंच पा रहे। इसलिए मैं अपील करना चाहता हूं भारत की सरकार और बिहार की सरकार से कि जिस तरह से आज वैशाली में कल मिले कुछ पेशेंट राघोपुर में, तो गांव गांव में भी ये बीमारी फैल सकती है। और मैं नहीं चाहता हूं, भगवान से मैं प्रार्थना करता हूं कि ऐसा नहीं हो, लेकिन अगर ऐसा हो गया तो न तो भारत की सरकार के पास इसका कोई रोकने की क्षमता है और बिहार की सरकार या डबल इंजन की सरकार तो बिल्कुल फेल है, कोई व्यवस्था नहीं करना चाहती। और इस महामारी में को लूट और खसोट में बदलने की तैयारी है, इस लूट और खसोट से बचाने के लिए हम सबों को तैयार होने की जरूरत है कि इस महामारी के नाम पर कैसे लूट हो रहा है। हमारे लोगों तक राशन नहीं मिल रहा, हमारे लोगों तक जो राशन मिलना चाहिए था, सरकार ने कहा कि जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको भी राशन देंगे, लेकिन जिनके पास राशन कार्ड है उन्हीं को आधा राशन मिल रहा है और बहुत जगह उन्हें मिल भी नहीं रहा। यह लूटने की तैयारी है। अस्पतालों की व्यवस्था कुव्यवस्था के रूप में बदल दिया गया। कुछ दिन पहले पटना मेडिकल कॉलेज के जो सत्येंद्र नारायण सिंह है, जो जिनको जांच का जिम्मा दिया गया, उनको निलंबित कर दिया गया सरकार के द्वारा। और जब निलंबित कर दिया गया तब समझ में आया कि हमने गलती कर दी है निलंबित। दो दिन के बाद उन्हें फिर से ज्वाइन करा दिया। ऐसे महामारी से निपटने की हमारी ऐसी तैयारी कि इस समय में भी हम खेल खेल रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं कि अगर उन्हें निलंबित क्यों किया गया, जिनको जांच का जिम्मा दिया गया अगर कुछ सही बात उसने कह दी तो हम उसे निलंबित कर देते और फिर हम उसे बहाल कर देते। तो ये राजनीति तो आप हमेशा करते रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके पार्टी के लोग हमेशा करते रहेंगे भी, लेकिन ये राजनीति करने का समय नहीं है। उन रोते हुए आंसुओं को रोकने की जरूरत है कि उनके आंसू नहीं बहे। उन गरीबों के बाहों को थामने की जरूरत है कि आप समझाइए कि आप उनके साथ खड़े हैं। बिहार की सरकार को बताने की जरूरत है कि हम उनके साथ हैं, आपके आंसुओं का कीमत हम चुकाएंगे। लेकिन बिहार की सरकार आंख खोले और जो जहां है वहां रहे, इस फैसला को बदले। जब उत्तर प्रदेश की सरकार उन्हें ला सकती है तो बिहार की सरकार क्यों नहीं ला सकती है? सवाल है कि हम यहां ला करके उन्हें क्वारंटाइन करें कि आखिर 3 मई के बाद अगर बढ़ जाता है लॉकडाउन तो क्या करेगी बिहार की सरकार?
सवाल मेरा यही है कि आप जो बिहार से बाहर के लोग, हमारे बिहार भाई के भाई लोग, बंधु लोग जो बाहर रोजगार के लिए तरफ में गए थे, फंसे हुए हैं, जो हमारे विद्यार्थी हैं, जो किसी का बेटा होगा, किसी की बेटी होगी, जो बाहर फंसे हुए हैं, उन तमाम लोगों को बिहार की सरकार को आगे बढ़कर के उन्हें लाने की जरूरत है। कि अगर आप ये समझें कि आपके किसी मंत्री का बेटा होता, बेटी होती, कोई परिवार होता, तो आप क्या निर्णय लेते? तो आप ये समझिए कि वो हमारे गरीब नहीं हैं, हमारे भाई हैं, बंधु हैं, हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, उन्हें लाने की जरूरत है। और उन्हें लाने का मैं अपील करता हूं कि उन्हें ला करके यहां क्वारंटाइन करके उनके घर भेजने का काम करें। लॉकडाउन का पालन होना चाहिए और बिहार में जितने धैर्य से लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, ये बहुत ही काबिल तारीफ है। लॉकडाउन का पालन होना चाहिए, करते रहे। लेकिन जो डॉक्टर हैं, जो आज कोरोना वायरस से निपटने में हमारे भगवान हैं, जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, वो हमारे लिए गॉड हैं, तो उन भगवानों को भी हमें देखना है कि सरकार ने बहुत सारे पीपीई किट नहीं दे पाई, ग्लव्स नहीं दे पाई, उन्हें उन रोगों से निपटने के लिए उनके औजार नहीं मिल पाए, शस्त्र नहीं मिल पाए हैं। लेकिन वो डॉक्टर महान हैं हमारे बिहार के, जो हमें उस रोग से बचाने के लिए अपनी जान की आहुति देना भी वो के लिए भी आगे बढ़ गए। तो हम उन डॉक्टरों को, हम उन स्वास्थ्य कर्मियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपने जिस तरह से, बिहार की सरकार ने आपको कोई सुविधा नहीं दी, लेकिन आपने अपनी जान की बलि, जान की बाजी लगा दी है बिहारियों को बचाने के लिए। तो मैं आपको सैल्यूट करता हूं और अपने तमाम साथियों से अपील करना चाहता हूं कि जितना हो सके आप अपने स्वास्थ्य कर्मियों का सहयोग करें, कभी उन्हें अनादर नहीं होना चाहिए और न कभी उन्हें गलत भावना से देखने की जरूरत होनी चाहिए। आप तमाम साथी हमारे अपने स्वास्थ्य कर्मियों से को अगर कोई दुख है, कोई दर्द है, उस दुख और दर्द को दूर करने के लिए आप आगे आइए और उनका दुख और दर्द को दूर कीजिए। तो मैं अपने सारे साथियों से निवेदन करना चाहता हूं कि अपने आस और पास, बिहार की सरकार ने जो कही है कि हम केस कर देंगे, मुकदमा कर देंगे, कि अगर कोई गरीबों को कोई खाना खिला देगा तो आपके ऊपर केस हो सकता है। हम अभी देखे हैं कि हमारे एक बहुत ही तेज तरार भाई हैं, दिनारा का प्रमुख मनोज उजाला, उसके ऊपर भी केस हुआ। वो चाहता था वहां गरीबों को खाना खिलाना, अनाज देना, लेकिन वहां के तत्कालीन कुछ सामंतवादी लोग हैं जो उस व्यक्ति के पीछे पड़ करके, मनोज उजाला के पीछे पड़ करके उसके ऊपर केस किया गया। इन सबों से बाद में निपटा जाएगा। अभी धैर्य की समय है, धैर्य रख, धैर्य की परीक्षा है, आप धैर्य रखिए। लेकिन किसी भी गरीब को मजाक मत उड़ाइए और किसी भी गरीब को भूखे मरने मत दीजिए, तड़पने नहीं दीजिए, उनके आंसुओं को रोकिए। यह हम सबों का फर्ज है, यह हम सभी बिहारियों का फर्ज है कि हम सभी इस बुरे वक्त में अपने भाई के काम आवें और उनका जो भी जिस तरह का कष्ट है, उस कष्ट को दूर करके हम सभी आगे बढ़ें और इस कोरोना वायरस को बिहार ही नहीं, भारत ही नहीं, पूरे विश्व से भगाएं। इस समय में सबको जरूरत है अपने घर में सुरक्षित रह करके जो सरकार का गाइडलाइन जारी होता है, तो उससे लड़ने की जरूरत नहीं है, चूंकि ये सरकार गलत दिशा में फंसा देगी हम सबों को। इसलिए जो भी गाइडलाइन जारी होता है, उस गाइडलाइन को बाबा साहब का गाइडलाइन मान लेना है और हम बाद में समझेंगे क्या गलती हुई, नहीं गलती हुई। लेकिन अभी हम उस सरकार के आदेश को मानते हुए जो जहां जरूरत है अपने गरीबों का आंसू को रोकते हुए, स्वास्थ्य कर्मियों पर किसी भी तरह का दबाव नहीं हो, उन्हें खुश रखें, कोई कष्ट हो तो उस कष्ट को दूर करने के लिए आप सबों को आगे आने की जरूरत है। इन्हीं सब बातों के साथ सरकार से जो हमने मांग रखी है कि हमारे बिहार से बाहर जो लोग हैं,
उन्हें वापस लाने की तैयारी करें, और जो हमारे डॉक्टर हैं, जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, उन्हें हम किट नहीं दे पा रहे हैं, उन्हें किट मुहैया कराने के लिए सरकार आगे आवे, और सरकार में जो कुछ लोग हैं जो माननीय मुख्यमंत्री के पास सही बातें नहीं पहुंचने देती, तो मुख्यमंत्री जी से भी अपील करना चाहेंगे कि आप अपनी आंखों को खोलिए, सूत्र का और लंबा रास्ता बनाइए, जिससे कि आपके सूत्र गांव और घरों में जो कष्ट है, जो बिहार से बाहर जो हमारे बिहारी फंसे हुए हैं, उन तक अपना सूत्र ले जाइए, समझिए कि वो कैसे और किस कष्ट में रह रहे हैं। धन्यवाद।